कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो, या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार में कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा, कोई समझ नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं। हालांकि उनके घर के आसपास मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। बता दें कि जुमेरात की शाम उनकी तबीयत खराब हो गई थी और देर रात उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। इनके इलाज के लिए 9 डॉक्टरों की टीम थी, लेकिन कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। जेल के बैरक में ही मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन के द्वारा उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा। गौर हो कि 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर व मऊ समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में फोर्स गश्त कर रही है। मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से देखा। अच्छा, दो दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टर ने ठीक किया था? मुझे नहीं देखने दिया सर। आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो, या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए ना बाबू। देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग